नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछि मनिबेदिता ब्री ब्रेकिंग न्यूज आसुछि जे दायित्वर अवहेला पई अर्थात कार्यरे अवहेला पई जे रहिछन्ति केगा थाना आईआईसी तमु परजा को सस्पेंड करा जायछि जे प्रकृतरे जेतेबेले जे रहिथिले ममिता मेहर जे केबे मृत ताको परिवार लोके प्रथमे जेतेबेले झियो निखोज थिबारे अभिजोग नै जायथिले सेतेबेले पुलिस ताको अभिजोग रखिनथिला जदि हुए तो सेभली समय अभियोग रखा जाता हुए तो आज एभली एक चित्र सामनाक आसी नथांता जदि तत्क्षणात खोजा जाता आज हुए तो ममिता को मृत उद्धार कर दायित्व अवहेला पाई जदिओ आईआईसी को सस्पेंड कर किंतु एथिरे मुख्य होउछन्ति डीआईजी कहीं सी होउछन्ति मुख्य एवं जेतेबेले एते बड़ केस एते बड़ अभियोग आसला जड़े अध्यापिका निखोज होउछन्ती परिवार लोके अभियोग नै जाउछन्ती थाना को पुलिस रो दायित्व कोन मो पुलिस रो कथा कुआ जाउछी मो पुलिस रो दायित्व कोन पीपल फ्रेंडली कथा कुआ जाउछी केमति लोके सुविधा रे समस्त सुविधा पाई परिबे पुलिस स्टेशन रे जोति पाई पीपल फ्रेंडली कुआ गला एवं कम से कम जड़े एफआईआर नै जाउछी पुलिस उपरे भरोसा करूछी अभियोग नै जाउछी आपण ताको एफआईआर रखुराती आ जदि एफआईआर रखा जाय थांता आज हुए तो एभले एक परिस्थिति को सामना करबा को पड़ी नथांता ममिता मेहर हत्या घटना को जिते बड़े राज्यव्यापी तुम्बी तोफान देखा मिली कांग्रेस प्रेस मीट कर सिद्धार्थ कनेचल इमाने शेष समय लगे एकाठा नहीं थिले एवं तार परे से झियर पता नहीं मिलवा आम लीगल लैंग्वेज रे कहसन लास्ट सीन टुगेदर एवं जदि अदालत प्रमाण हला जे दे वेर लास्ट सीन टुगेदर एवं तार परे मर्डर हो तारे से प्रमाण उपरे भी सजा आउ किसी जदि कॉर्बोरेटिव एविडेंस थी से कैनके आणवे थाना के आणवे इंट्रोगेसन करवार लगी तार पर फॉर्मल अरेस्ट कर पारन किंतु आमर आईन रे व्यवस्था अच्छे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रे सेक्शन 41 अरेस्ट नहीं करके भी ताकि आनी पारे पचरा उचरा करवा इता के रखले ऑलमोस्ट वीआईपी के सेमी वीआईपी हिसाब से जनता केन्द्र मंत्री पुओ के उत्तर प्रदेश से आनले मर्डर अभियोग अल्प बहुते से टाइप रो भी इनर ट्रीटमेंट ताके दिखे एवं केते कौचन जाणीशु ताके भगेदेले केते कौचन से समय देखिक पलिगला जेनटा भी सतु कितु से पुलिस दोष कम से कम गोटे कथार डीआईजी संबलपुर के मुझे धन्यवाद देवी से स्वीकार कर पुलिस भूल कितु खाली भूल होने तो ना हुए कि कन्स्टेबल तीन टाके सस्पेंड करदे तो ना हुए रखला किए से कहीं रखागला के पड़ाला आम अनुसंधान करमु केस कर वर्तमान मूल कथा है जे इता के केन्ता कि सजा हेबा आम गलापर तो तार बापमा जेन विकल हो फोटो भी किसी देखिथे गोड़ धरिक बोले से ताकि फासी दून आज्ञा आप दायित्व नौ मुखर बोली देख मुझे रोकला कि नहीं करवान कितु आम आईनगत साय निश्चय सब जगेदेमु आ देखमु दोषी जेन्ता कि दंडित हवा से झीर माँ गाय गाय बेहोशाला लगे नहीं जो थे फिर डाक्तरखाना देख देख बोल कर कहली ताके संभापाटा मुस्किल होता सब तो ताके से जगह से वीआईपी ट्रीटमेंट देवार नहीं था से गोटे सन्देह हो बोधे पर्दा पछे आउ जन किए अच्छे जे कि ताकि सुरक्षा देवा लगे चेष्टा कर वर्तमान पुलिस आगे सबुथ बड़ कथा हला जे से प्रिंसिपाल मला बोल मला न बोल के प्रमाण कर खाली खार दूरा अच्छे आ कि जिनस अच्छे डीएनए टेस्ट करुछ बोली कौचन पुलिस वाला को पचारी
एवं आर जेन प्रमाण अच्छे जेन्ता पुलिस अनुसंधान करुचे बोधे से प्रमाण नष्ट हो जाए से ना बैग अच्छे अड़ंकार जेन्टा से झील पिंधिता से तार घर लोक कहवार अनुसार से तुम कण बोलस जेन रेकर्ड कराई से पेन ड्राइव सर थिला से थाई पारे मोबाइल नाइन टे तुम पढ़ दिशी अच्छे किंतु जी जेनटा सब कन्फिडेन्स कहीदेलाटा सेनसीटिव जिनस नाई कहबार कथ खबर कागज बाहर कहींगला टी बुलचे कहींगला इटा तो से कहींगला बोलो बोलू से फेर क्या गायब ही जबार बिल किंतु आई एम श्योर पेन ड्राइव अच्छे तार लैपटॉप से कहींगला ये सब तरह प्रमाण अच्छे सब खाली से नुहे से जड़े झील टीटलागड़ रू फोन कला पर से गोटे ऑडियो रेकर्ड होता से शुणदेला से आ गए प्रमाण जेनटा इन पुलिस के देचन पुलिस हाथे अच्छे अच्छा पुलिस हाथे अच्छे कहबारटा कि असुविधा ना हुए कहीं सेन तो किए चूड़े नहींगला बोले पुलिस गोटे पार्टी जीवा तो से मैंने आम अच्छे कि ना से टेक्निकल रिजन कहीपार ना कहीपार कि मोर पक्का खबर जो पुलिस हके से दिखाई मुझे मागिचे से गोटे मत दि बोल कर से माँ बोलुचे से बैग मोर झीटा आपण सुनुथिले वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्र जा प्रेस मीट माध्यम रे जा कहथिले जे केवल सस्पेंड करि देले केवल बहिष्कार कर देले ये कोनोसी सॉल्यूशन नुहे प्रथमरु काही कि ताको अभिचोक रखा जाय नथला परिवार लोके जते बेले मिसे केस दायर करथिले सते बेले काही कि आईआईसी जे रहिछंती के का थाना आईआईसी से काही कि अभिचोक रत्न रखि नथले एबो जौति पाई ताको जदि वर्तमान समय रे सस्पेंड करा जाय छे किंतु अपारक डीआईजी जामे टॉपिक रखि छथि एते पाई जे कोठीना कोठी डीआईजी दीपक कुमार को अपारकता सामना को आसुची अधिक आलोचना करबा संतोष जना रिपोर्टर पिकनिक अपडेट बाबत रे आबुको देई आसुचंती प्रथम रो ही से खबर को अति निकट रु देखुचंती संतोष आपण पाखो को जिबा को चाहबे संतोष जते देखिबा जे हम आज जेमती टॉपिक रखिचंती अपारक डीआईजी कोठीना कोठी जदि देखिबे आपण जे रहिचंती के गा थाना आईआईसी ताको सस्पेंड करा जाउची प्रथम रो तांकर भूल एया जते बेले परिवार लोके अभिजोग नै जाइथिले सते बेले से अभिजोग रखि नथिले जे प्रकृत रे मो पुलिस रो दायित्व कोन जते बेले जणे अभिजोग नै जाउचे पुलिस रो दायित्व पुलिस रो धर्म एया जे अभिजोग रखिबो घटना कोन तर्जमा करिबो जदि से समय रे एक्शन निया जाय थांता से समय रे एफआर रखा जाय थांता खोलतार करा जाय थांता होय तो ममिता आज जीवित थाई पारि थांते देखो तो केगा थाना आप परवर्ती मुहूर्त में केगा थाना परिवार लोके तुरेकला थाना जाती एफआईआर दवाई कहते कि कौन प्रकार पुलिस एफआईआर दवाई कहते कि कौन प्रकार पुलिस एफआईआर रखिलानी तो तापर सिंधेकला थाना मामला है और मामला जिते सिंधेकला थाना होपर पुलिस तदंत कला और ठीक तार किसी दिन पर दुई तीन दिन पर गोविंद साहू को उठे अणगला लगातार भाव में तीन रु चार दिन पर्यंत गुप्त स्थान रखी गुप्त जेरा कराला प्रथम दिन रु तार गाड़ी जबत कराला परवर्त मुहूर्त में जिते गोविंद साहू फेरार है गोविंद साहू धरा पड़ा तापर ही स्पष्ट हो गोविंद साहूर गाड़ी भितर पाउज मिलूँ अलंकार मिलू सीट चेरी जाए एक आसूँ कितु प्रथम जिते चार दिन पूर्व जिते पुलिस धरीला से कौन प्रकार स्पष्ट भाव में पुलिस सूचना दे ना कितु केगा थाना आईआईसी सस्पेंड होती सत कितु तापर सिंधिकला थाना आईआईसी जे जे तदंत करुले से तदंत को विलंबर देखी आकिश को प्रथम दिन फरवर्ड नक बारंबार जेरा कले जो से खसबार सुजोग पाला अंपटे
टिटलागड़ थाना आईआईसी से अवहेला कले जो ब्यारेक पचास षाठी जन जवान रोचान पंदर षोह फुट्र लुहा तार जारी रोचे सेठू अभियुक्त चंपट मार दौर निहत भाव में समस्त भूल रही कि डीआईजी ये सब घटना को नजर दौरानी विशेषकर टिटलागड़ थाना फेरार हवा घटना को बोध हुए से नजर देना कहीं टिटलागड़ थाना गोटे एफआईआर हो जो गोविंद साहू फेरार मारी से गोविंद साहू फेरार होता अभियोग गोटे मामला रुजु होनीज कनेस्टबल को निलंबित कराई जो मैंने जगी थे कि गोविंद साहू खसवा पक्षर कारण थिला जे करेंट पड़ेगा अन्य मनस्क थे कि एक गुरुत्व सहकारे डीआईजी नेबार अच्छी परवर्ती मुहूर्त में करेन्ट पल विद्युत चली जाए कौन से गोटे हत्याकारी खसीज हत्या अभियुक्त खसीज ये बोध हुए निहत भाव में पुलिस गोटे अपमानजनक घटना या पर देखि सिंधिकेला निकटू भौणी घर गोविंद साहू को गिरफ्त करागला परवर्ती मुहूर्त में बलांगीर पुलिस आ रिस्क ना चाहूनी कहीं आक्यूज मानक कौन थाना रखिले किभली भाव में जेहेतु गृहराष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रा ये घटना संपृक्ति रही तो पुलिस भी आउ रिस्क ना चाहूनी जो एसपी कार्यालय पूरापूरी समस्त अभियुक्त को रखुं एमती एसपी पाख चैंबर पाख रूम्रे हिं गोविंद साहू और ताख रूम्रे हिं अन्य अभियुक्त मानक रखाई एजावत ममता मेहरा मेहर घटना ममिता मेहरा घटन दुईज को गिरफ्त कराई आज जे राधे श्याम जी अच्छा चंडी जी अच्छा से आज हाजत हाजत को जी पड़ो से बंगबंधु कोर्टे बलांगीर पुलिस हाजर करवर्त मुहूर्त बर्तमान समय रिमांड में अणाजी कि ना गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि आउ किस समय बलांगीर पुलिस निकट रू स्पष्ट भाव में सूचना मिल पार जे राधे को राधे श्याम को पुलिस रिमांड में आणव कि ना ये सब भितर केंगा थाना आईआईसी अवहेला जो डीआईजी सस्पेंड करापर सिंधिकेला और तुरेकेला थाना भी एफआईआर रखी ना टिटलागड़ थाना भी आक्यूज खसी जा फेरार होता ये सब दिग्कान देवार आवश्यकता अच्छी जो ये थाना अवहेला ये थाना कौन से प्रकार ये घटना को दृढ़तार सहित नि तुरेकेला थाना कथा कहतु सिंधिकेला थाना कथा कहतु और बर्तमान समय टिटलागड़ थाना जो फेरार होती ये तीन थाना थाना अधिकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान आवश्यकता रही है। तुरेकेला थाना पुणि थे समान ढंग से केंगा थाना अधिकारी जमी पर लोक फेरइले सेमती फेरइले सिंधिकेला थाना पुलिस खोजार विलंब कर बहुत समय पर गोविंद साहू को गिरफ्त करवर्त मुहूर्त में टिटला थाना अवहेला टिटलागड़ थाना अभियुक्त गोविंद साहू फेरार होता तेज डीआईजी ए तीन थाना थाना अधिकारी कि कार्यानुष्ठान ने एपर्त स्पष्ट भाव में सूचना मिल पार नहीं कि बर्तमान समय जहाँ बड़ खबर केगा थाना आईआईसी कार्य अवहेला अभियोग सस्पेंड होती संतोष आउ गोटे कथा जमी आप कहते बर्तमान पर्यटन जी कार्यानुषान सब बड़ कथा डीआईजी को नहीं प्रश्न आसूरी डीआईजी दीपक कुमार को लेकिन कहीं प्रथम कथा सस्पेंड कर आईआईसी को जदिओ कि पूरा घटना आप देखिए कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रा ना सामना को आसूरी जो गणमाध्यम गोटे पर गोटे खबर प्रकाश पाला कौटना कौटी आपन को लगुनी जो पुलिस कौटना कौटी गोटे प्रेसर को आसूरी पुलिस कौटना कौटी गोटे चापर रहा जो एक आक्शन दिखाई केवल यही किसी कर्मचारी को निलंबन कर दे बोधे कौटना कौटी घटना घटना को ये सारी देवाई पुलिस चेस्टा कर लगुनी थानार थाना अधिकारी भी कौन सी छोटमोट व्यक्ति नुहंती जड़े आईआईसी तार कार्य अवहेला निलंबित होते पूर्व आप देखिथे तीन जन कनेस्टबल को सस्पेंड कराइला या परे परे जड़े इन्स्पेक्टर रैंक अफिसर को सस्पेंड कराई देखु घटना जिते दिन पर्यंत गंभीर हो ना घटना जिते दिन पर्यंत संवेदनशील प्रसंग हो ना अर्थात पुलिस को लगुन ये घटना संवेदनशील प्रसंग था जड़े युवती जी जे प्रिंसिपाल जी अध्यक्षा जड़े निखोज हे मृत्यु हे रेप एंड मर्डर करहत भाव में ये गोटे संवेदनशील घटना किंतु पुलिस को एजावत कौन सी प्रकार घटना पुलिस को एजावत कौन सी कथा कि ये घटना को केवी गुरुतर सहकारे नहीं ना जितेबाला टिटलागड़ थाना गोविंद साहू फेरार होगा बसिले से घटनार दायित्व जड़े डीएसपी रैंक अधिकारी नेवर्त मुहूर्त सुपरभिजन करने जिला एसपी दायित्व ने जिला एसपी को साइ डीआईजी दायित्व ने लगातार भाव में डीआईजी एसपी लगातार तीन दिन हे संबलपुर क्षमा करेंगे बलांगीर जिला एसपी कार्यालय रोचे लगातार भाव में एसपी डीआईजी ए घटना को तदारख करुछंती प्रथम कहु जे अपराधी एवं अपराध अपराधी जीए
से खोजा जाउछि अपराध कौन घटी एक कथा को देखा किंतु अपराध पछर कारण कौन अपराधी पछरे किए एक कथा को बोध हुए पुलिस एजावत कौन से प्रकार स्पष्ट भाव में सामना को आनी पारुनी जो अभियोग विरोधी करुछंती जनसाधारण करुछंती एवं प्रिंसिपल ता सहित कॉलेज कॉलेजर मालिक एवं कॉलेज मालिकों पछरे थिबा गृहराष्ट्र मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र प्रताप जेना और संस्कृति मंत्री ज्योतिप्रकाश पाणिग्राही भली बड़ बड़ लोक अपराध पछरे एमाने थिले एवं अपराधी माने जो माने थिले ए मानंकु वर्तमान सुधा कौन प्रकार स्पष्ट भाव में सामना को अणा जा पारुनि एवं पुलिस भी ए घटना को ध्यान दे पारुनि एक कथा को नजर देले आम निहत भाव में कहींपर जे हुए तो अपराध पछरे थिबा कारण अपराधी पछरे थिबा लोकों को जदि पुलिस चेष्टा कर खोजापी से हुए तो आसवे सत किंतु से चाप पड़ा पड़ो जो चापरे पड़ी केवल सीन रिक्रिएसन अभियुक्त किए किए एवं बारंबार जेरा अभियुक्त को रिमांड आणवा और घटनास्थल को जाई तदारख करवा अधिक प्रमाण खोजा किंतु जदि पुलिस ए जगार पूर्वर फाइल खोजता और स्थानीय लोकों प्रतिक्रिया निता अभिभावक छात्री छात्री एमाने जो कथा कहते जो आसूची आभास सिंहदेव कथ आसूम किए प्रिंसिपाल भूमिका कौन थी गोविंद साहूर भूमिका कौन थी सरकारी अर्थ ये घर स्कूल कहीं विनियोग होता कहीं खुलम खुला ये सेक्स कारबार चली बड़ बड़ नेता मंत्री कहीं आसुले ये घटना को जदि पुलिस ध्यान देव ताल आम ए सिद्धांत उपनीत हो पार जे बोध हुए पूरा स्पष्ट भाव में जना पड़ो जो अपराध पछरे लोक अपराधी पछरे लोक पुलिस ठीक भाव में खोजुच्छी पुलिस कौन सी चापर पड़ूना जदि अपराधी और अपराध कारण खोजा को केवल पुलिस बसी निहत भाव में आम कहीपर जो बलांगीर पुलिस क्योंटा क्योंकि चापग्रस्त रही संतोष बलांगीर पुलिस चापरे रही किंतु जेति की भी गणमाध्यम रे खबर प्रकाशित तो होउछे कम से कम ताकु जदि पुलिस तदंत को नियता ताकु जदि दृष्टि रखी पुलिस तदंत करता हुए तो अनेक किछ खुलासा आइ परंता किंतु हेउनी एति पई जे कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र को संपृक्ति सामना को आसुछे आ मंत्री को घटो घोडेबा पई ये गोटे बहाना आम सहित अधिक आलोचना पई मध्ये अब प्रतिनिधि टिटलागढ़ प्रतिनिधि अंकुर अग्रवाल आम सहित जोड़े छथि अंकुर गोटे पटे गोविंद साहू जे अभियुक्त जहाँ को गिरफ्त करा जाय छी सीए कांदी पकोचे जेरा कला बळे सीए जहाँ ना कोचे ताको विश्वास कोणी ताको जेरा करा जाउ छी ताको पचरा उचरा करा जाउ छी किंतु एपटे मम्मी तांको बापा जो अभियोग गणितले जे कैप्टन को संपृक्ति कैप्टन सेटा को जाउतिले रातिरे रहुतिले उपभोग करुतिले धंधा चलाइतिले छात्र बति अभियोग गलेनी ए सब सते ताको कथा को पुलिस विश्वास को नउनी एपटे किंतु गोविंद साहू जहाँ कहउछन्ती ता बेदरगार ताको नै पचरा उचरा करू छी पुलिस देखु निश्चित भाव यह एक बड़ प्रश्न रही जेहेतु ममिता बापा अभियोग आनी गृह राष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्र बारंबार से स्कूल को आसी रात्रि जापन करुले कि जो आप कहते कि जो जो गोविंद साहू जहाँ कह से आधार रे पुलिस काम करुची किंतु जो बापा कहते से आधार रे कौन सी काम करूना पुलिस एबे एहा एक बड़ प्रश्न किंतु किंतु जदि देखिबा बेले आम पाख को जहाँ गोटे खबर आसुची सूत्र मुताबिक जे दीपक कुमार जो डीआईजी रही से केगा आईआईसी को निलंबित मध्य करिसंती कार्य अवहेला पई देखंतु ए जो घटना रही आठ तारीख रो घटना रही से एफआईआर टा ग्रहण न करबा जो आज ये परिस्थिति आसी जेहेतु गोविंद साहू को टिटलागढ़ पुलिस चार दिन कस्टडी रे मध्य रखी किंतु जो 14 फुट 15 फुट रालीबा जाली बाड़ा जो थिला से गोविंद साहू डे पलि थिले एबे जो आम गणमाध्यम गणमाध्यम जो जो आम जो प्रश्न आणुचु तापरे आम कोई पारिबा जे बलांगीर पुलिस एक्टिव हेची नियंती भाव रे गणमाध्यम रे खबर प्रकाशित हेबा परे कोचना कोटी पुलिस एक्टिव मोड को आसला एक कथा को जाय पारे किंतु गोटे प्रश्न आसुची जे डीआईजी दीपक कुमार सोइथिले केउठी जतेबेले प्रथम रु ममिता को बापा परिवार लोके अभिजोग नै जायथिले काहे कि सेतेबेले एक्शन निया कलानी काहे कि सेतेबेले एफआर रखा कलानी एवं एते सब परे जतेबेले चाप पड़िला लोक देखणी एक्शन निया जाउची सस्पेंड करा जाउची किंतु बड़ प्रश्न जे डीआईजी को भूमिका भी एठी गुरुत्वपूर्ण तांको भूमिका भी संदिग्ध रे जेतु कैप्टन को संपृक्ति सामना को आसुची पावरफुल मंत्री को ना सामना को आसुची तेणु तांको घंटो गोड़ेबा पई ये गोटे प्रयास है कथा मध्य लोकलोचन रे आलोचना करा जाउची तबे अंकुर एया मध्य जानिबा को चाहिबो जे पूरा घटना रे वर्तमान पर्यंत दुई जण को गिरफ करा जायची पाखा पाखी सात जण को बलांगीर पुलिस अटक रखीची आउ किछि तथ्य सामना को आसुची बाबत रे जे आउ कहार पाळी पड़ी परे काईकिना गोविंद साहू वर्तमान पुलिस कब्जा रे रिमांड रे ओना जायची ताकू निश्चित भाव देखु जिते बेले गोविंद साहू को कस्टडी आनी टिटलागढ़ पुलिस
ତାପରେ ସେ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ ପୁଲିସ କାବୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଗତକାଲିର ଯଦି କଥା କହିବା ବେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ବଗୁମୁଣ୍ଡା ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁଲିସ ତାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ କୋର୍ଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଜେରା କରାଯାଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଜେରା ସମୟରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ ରହିଛି, ରାଧେ ବୋଲି ଜଣେ ନାମକ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବଗୁମୁଣ୍ଡା ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ରିମାଣ୍ଡ ଦେଇଛି ନା ଦେଇନାହିଁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଯେହେତୁ ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ମମିତାଙ୍କୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ସତ ହେଲା ଯେ ମମିତାଙ୍କୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ତେଣୁ କୋଟି ନା କୋଟି ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ନେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ସେ କଥାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ବେଲେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍କ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏହି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବେଲେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ସେକ୍ସ କାରବାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏହି କେସ୍ର ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେଲେ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଯେଉଁ ଆମ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର ଆଖି କୋଉ ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ସେଟା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ, ଯେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅପାରଗ ଡିଆଇଜି, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଅପାରଗ ଡିଆଇଜି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହଗ୍ରହରେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାଲିଂ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାହିଁକି ସେଟାକୁ ଯାଇ ଖୋଲତାଲ କରାଯାଉନି, ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେଣି, ପୁରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ପୁରାପୁରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ମମିତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି କଳା କାରନାମା ଚାଲିଥିଲା, କେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପାର୍ସାଲିଟି କରାଯାଉଥିଲା, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଗିଫ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆକୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସୁନି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ଚାପ ପଡୁଛି, କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଏ କଥାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନାଁରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଅଙ୍କୁର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ଏଇଠି ସରିଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।